फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रीति और आज मैं आपको फेस मास्क बनाना बताऊंगी और उसको अपने फेस पे अप्लाई करना भी बताऊंगी। अगर आपके घर में रखा केला पककर काला हो गया है या फिर गल गया है, ओवरराइप हो गया है, तो उसे फेंकिए मत, बल्कि उसको आप अपने चेहरे का फेशियल भी कर सकते हैं। यह स्किन के रिंकल को मिटाता है और स्किन को टाइट और स्मूथ बनाता है। तो केले का छिलका भी आपकी स्किन को फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाकर उसको हेल्दी बनाता है, मुहासों के लिए, फेस के ग्लो के लिए, और काफ़ी अच्छा है ये। तो इसको हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाना मास्क बनाने के लिए हमने लिया है बनाना, क्योंकि बनाना मास्क है तो बनाना ज़रूरी है। और ये देखिए, ये ओवरराइप बनाना है। आपको बता दें कि केला एक ऐसा फ्रूट है जो ज़्यादा पकने के बाद और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है, और इसके अंदर मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बायो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कई गुना बढ़ जाते हैं, और इसलिए मैंने ओवरराइप बनाना दिया है। आप चाहें तो आप ये बनाना भी ले सकते हैं, पर इस ये ज़्यादा पौष्टिक है और हमारी स्किन के लिए ज़्यादा हेल्दी है। उसके बाद हमने लिया है हनी और दही। फेस के लिए हमें चाहिए बनाना, मैंने ओवरराइप बनाना लिया है। फ्रेंड्स, आप भी इसको ट्राई जरूर करिएगा, ओवरराइप बनाना, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और 2 टेबलस्पून दही, 1 स्पून हनी, 1 स्पून हनी इसमें ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें हम छिलका भी ऐड करेंगे, और इसको हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा फेस मास्क बनके रेडी है। अब इसको मैं अपने फेस पे लगा के बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। मैं इसको हाथ से ही लगाना मुझे सही लगता है, आप चाहें तो इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं। इसको आप थोड़ा गर्दन पे भी लगा लीजिए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। ये देखिए, मैंने इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब इसको आप 15 मिनट लगा के ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, और 15 मिनट के बाद इसको हम नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 50 मिनट हो गए हैं और मैंने अपना चेहरा जो है नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं, छूने से स्किन बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ लग रही है, और देखिए मैंने अभी इसको वॉश करके आई हूँ। देखिए, एक बार लगाने से ही फर्क आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको हफ्ते में 3 बार लगा सकते हैं, इसे कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। तो जब आपका मन करे, जब आप ओवर राइप आपका केला हो जाए, तो आप कभी भी लगाइए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी, फेस मास्क जो मैंने बनाया था वो अच्छा लगा, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं नए नए नोटिफिकेशन और वीडियोस आइडियाज़ लेके आऊँ। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।